अभी आपने एक बाबरी मस्जिद के बारे में कहा था कि बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई, जबकि कोई भी मुसलमान आज तक जो है ये नहीं कहता है कि बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई, जो भी कहता है वो कहता है कि बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, ऐसा क्यों? अब आप उसमें बुझनी ना बुझाएं, हम लोगों की बहुत सारी, एक बाबरी मस्जिद नहीं तोड़ करके शहीद की गई है, अभी बहुत जल्दी बाराबंकी में भी एक मस्जिद को तोड़ करके शहीद कर दिया गया, समझ रहे हैं कि नहीं? वो आप मुझे ना बताएं कि तोड़ दिया तो मैंने शहादत नहीं कही, हम बाबरी मस्जिद की शहादत को जब से शहीद हुई है तब से मनाते चले आ रहे हैं, और हर साल हम हिंदुस्तान के जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनको हम मेमोरेंडम भी भेजते हैं, जो सपा बसपा कांग्रेस नहीं करती है डर के मारे, हम करते हैं, समझ रहे हैं ना? इस बार उत्तर प्रदेश से कितनी सीटों से एमआईएम? उत्तर प्रदेश में 100 सीटों को हमने आइडेंटिफाई किया है, उस पर हम काम कर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं। इसोली से आपका चेहरा, अब ये तो वक्त बताएगा, अभी चार आवेदन है, देखेंगे पार्टी तय करेगी, यहाँ की हमारी लोकल यूनिट बैठेगी, देखेंगे जो बेहतर होगा उसको लड़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में आपने बताया 100 और बिहार में भी ऐसे ही हुआ था, यहाँ से क्या लग रहा है? बिहार में 5 सीटें हम लोग जीते, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या रहेगा नहीं, हम यहाँ पे तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम जितनी लड़े सब जीत जाएं, बाकी अल्लाह सुभान व तआला के हाथ में, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, जीतेंगे, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत करके आएंगे। आप ही के उम्मीदवार यहाँ से जो जिला पंचायती चुनाव लड़े थे उसमें लगभग 3 लोग जो है बीजेपी को सपोर्ट किए थे, हाँ। ऐसे लोगों को कैसे पहचान आइडेंटिफाई करेंगे जो इधर उधर ज्यादा भटके ना और आप ही के साथ जुड़े रहे, बाद में उन्हें आपको निष्कासित करना पड़ता है? तो गारंटी क्यों, तो गारंटी तो आपकी भी नहीं है, आज किसी चैनल में है कल दूसरे चैनल में है, नहीं तो वो तो देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात आप इमेज क्रिएट करें, मैं उसको क्वेश्चन कर, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। समाजवादी पार्टी के अभी मौजूदा MLA बलिया के चले गए बीजेपी, अब उनके बारे में आप क्या कहेंगे, मुसलमानों के वोटों से जीते और चले गए बीजेपी में। समाजवादी पार्टी के 800 से ज़्यादा जिला पंचायत जीते थे पूरे उत्तर प्रदेश में, तो जिला पंचायत अध्यक्ष सब बीजेपी के जीत गए, तो वो समाजवादी पार्टी के लोगों ने तो पर्चा भी नहीं भरा वहाँ पे। मेरे क्वेश्चन करने का सिर्फ इतना मकसद है कि इसौली की जनता कम से कम विश्वास तो करे, कुछ ऐसा आप जवाब दें कि ठीक है अगर इस बार ऐसे इन लोगों को सुना जाएगा जो छोड़कर नहीं जाएंगे, ऐसे में बीजेपी के सपोर्ट करेंगे तो कौन जाएगा? नहीं नहीं, हम इसौली की जनता को किस तरह से विश्वास दिलाएंगे? नहीं नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि हर आदमी निस्वार्थ जुड़े, कुछ स्वार्थी लोग भी जुड़ते हैं। इस तरह के सवाल का जवाब इसौली की जनता को आप क्या देना चाहेंगे, मतलब किस तरीके से विश्वास करें? विश्वास किस बात, कहने का मतलब ये है कि जहां जनता MIM पे भरोसा, वो चले गए, MIM तो नहीं गई ना, वो चले गए, जनता उनको जवाब दे देगी, MIM तो नहीं गई ना, MIM ने उनका, MIM ने उनको निकाल दिया ना, MIM तो गई नहीं, MIM तो निकाल दिया ना उनको पार्टी से, तो फिर आप ये तो बात, तो सपा ने क्यों नहीं निकाला, सपा को भी निकालना चाहिए था ना, समाजवादी ने तो किसी एक को भी नहीं निकाला।